नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम जो है आज 21 अगस्त को यूएई के लिए रवाना होने वाली है और आरसीबी की टीम हो सकता है कि शाम तक दुबई पहुंच जाए। शाम को यहां से निकलेगी फिर दुबई पहुंच जाएगी, जिसके बाद आरसीबी की टीम जो है क्वारंटाइन में रहेगी और इसके बाद 3 सप्ताह तक ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा होगी, जिसके बाद आईपीएल 2020 की शुरुआत जो है 19 सितंबर से हो जाएगी। दोस्तों, आज आरसीबी टीम के सभी भारतीय खिलाड़ी यहां से रवाना होकर यूएई पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही 22 तारीख को यानी कल जो है डेल स्टेन, क्रिस मॉरिस और एबी डिविलियर्स भी 22 अगस्त यानी कल जो है टीम के स्क्वाड के साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, बात करें ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड खिलाड़ियों की, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी 16 सितंबर को सीरीज खत्म होने के बाद 17 तारीख को यूएई पहुंचेंगे और स्क्वाड के साथ जुड़ेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये आरसीबी टीम के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहां पर शुरुआती मैचेस से ही एरन फिंच, मोइन अली, केन रिचर्डसन और जोशुआ फिलिप टीम के स्क्वाड में अवेलेबल रहेंगे और हो सकता है कि स्टार्टिंग से वो खेलते हुए भी नजर आए। वहीं दोस्तों, आरसीबी टीम के चेयरमैन संजीव चूड़ीवाला ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि एसओपी के तहत जो खिलाड़ी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेलकर यूएई पहुंचेंगे, उन्हें प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सीरीज से 17 सितंबर को यूएई पहुंचेंगे, जो मुकाबले के काफी करीब है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इसके लिए एसओपी में सारी प्रक्रिया बताई है। उन्होंने कहा कि एसओपी में साफ साफ बताया गया है कि इन खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा, क्योंकि ये खिलाड़ी ऑलरेडी बायो सिक्योर एनवायरनमेंट से आएंगे। यह साफ है कि जो खिलाड़ी बायलेटरल सीरीज खेल रहे हैं वो सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही खेल रहे हैं और उन्हें यहां भी सुरक्षा प्रोटोकॉल में ही खेलना है। चेयरमैन ने यह भी कहा है कि सीरीज खत्म होने के बाद बायो सिक्योर बबल से सीधे यह खिलाड़ी बिना किसी माइग्रेशन प्रक्रिया के चार्टर प्लेन में जाएंगे, जहां उन्हें आम जनता नहीं मिलेगी। इसी वजह से इन्हें यहां पर क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा और इसी वजह से हो सकता है कि ये सभी खिलाड़ी यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी पहले मैच से आईपीएल 2020 में अपनी अपनी टीमों के लिए खेलते हुए दिखाई दें। उन्होंने यह भी बताया है कि अगर इन खिलाड़ियों में से किसी ने भी प्रोटोकॉल को तोड़ा तो उसे यूएई में उतरने के बाद 6 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा और टीम के साथ जुड़ने से पहले 3 सप्ताह में 3 बार कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा। तो दोस्तों, आज आरसीबी की टीम शाम तक यूएई के लिए रवाना हो जाएगी। आरसीबी टीम यूएई में दुबई में वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया में रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम भी आज ही यूएई के लिए रवाना होने वाली है। कल भी 3 टीम यूएई पहुंच चुकी है और बाकी जो बची 2 टीम में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद, ये भी बहुत जल्दी यूएई पहुंच जाएंगी। हो सकता है कि कल या परसों तक ये भी यूएई चली जाएं। तो अभी के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।